हिमाचल में कोरोना संकट के दौरान नियमों को लेकर दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। ये आरोप सोलन में सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों की आड़ में कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार के नेता कोरोना संकट के दौरान लागू किए गए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं, उद्घाटन भी किए जा रहे हैं, उनके चहेते नेताओं के स्वागत किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अगर छोटा सा भी कार्यक्रम करती है तो उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया जाता है, जो सरासर गलत है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि सत्ता पक्ष प्रदेश में दो तरह के कानून चला रहा है। कानून की आड़ में कांग्रेस पर निशाने साधे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से कर रही है, वहीं अगर कांग्रेस प्रदेश की जन विरोधी नीतियों और फैसलों के खिलाफ आवाज उठाती है तो उनकी आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सत्ता के नशे में विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, जो न्याय संगत नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम चायल के नगाले गांव में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये जानकारी भाजयुमो सोलन के मंडल के अध्यक्ष रोहित भारद्वाज ने मीडिया को दी। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने इस दौरान करीबन 100 पौधे गाँव में रोपे। इस मौके पर पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि शहरों की तर्ज पर अब गाँव में भी आधुनिकता आ रही है और गांव में भी कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इस संतुलन को बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद आवश्यक हैं। खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा समाज की भलाई के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा ने लॉकडाउन के दौरान जहां एक और जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री और दवाएं वितरित की, वहीं प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए उनके द्वारा चौथी बार पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। हिमाचल सरकार मानव भारती विश्वविद्यालय डिग्री फर्जीवाड़े मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के भाजपा नेता भी इस मामले को दबाने के लिए हिमाचल सरकार को संपर्क कर रहे हैं। ये आरोप सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा सरकार पर लगाए। उन्होंने मानव भारती के डिग्री फर्जीवाड़े पर कई प्रश्न उठाए और भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोले गए, उन विश्वविद्यालयों को भी अनुमति दी गई जो नियम भी पूरे नहीं करते थे, जिसमें से एक मानव भारती विश्वविद्यालय भी है। उन्होंने कहा कि वे कौन से नेता थे जिनकी शह पर ये अनुमति दी गई, कौन कौन से अधिकारी की मिलीभगत से इस कार्य को अंजाम दिया गया, उनके खिलाफ भी भाजपा सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे तब मानव भारती को विश्वविद्यालय की अनुमति प्रदान की गई, जबकि मानव भारती के पास जमीन केवल 30 बीघा थी, नियमानुसार 50 बीघा जमीन चाहिए थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मानव भारती के चेयरमैन पर देश और प्रदेश में विभिन्न मामले दर्ज थे, उनके बारे में पहले छानबीन क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब इस विश्वविद्यालय में करीब 2000 करोड़ रुपए की फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। यहां तक कि इस विश्वविद्यालय के तार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी जुड़े हैं, तो इसकी जांच सीबीआई और ईडी से क्यों नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार मानव भारती फर्जीवाड़े को अब दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के भाजपा नेता भी इस मामले को दबाने के लिए न जाने किन कारणों से रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि पालमपुर के कौन सा व्यक्ति है जो इसमें दलाली कर रहा था, जम्मू कश्मीर से फर्जीवाड़े के तार कैसे जुड़े हैं, किन लोगों को इस विश्वविद्यालय से कंप्यूटर भेंट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राजनेता और केंद्रीय नेताओं के
कहने पर हिमाचल सरकार इस मामले को दबाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर चुप रहने वाली नहीं है। इसका वे तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता।